वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए नोटिफिकेशंस और वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि हमारी जो फोर लूप होती है सी प्रोग्रामिंग में वो कैसे कैसे वर्क करती है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसे हम कैसे कैसे यूज करते हैं, किन किन कंडीशंस के अंडर। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर उसके आई बटन पे मैंने लिंक दे रखा है जो कि हमने बनाई थी डू वाइल लूप के ऊपर, तो जल्दी से जाइए उस वीडियो को भी देख के आइए। तो आज के इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं फोर लूप के बारे में कंसेप्ट। तो जब हमने लूप्स शुरू की थी तो अब हमने आपको बताया था कि लूप्स हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरी एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, सबसे पहले तो कंडीशन की चेकिंग होती है, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन होनी होती है बॉडी ऑफ लूप की। और जो हमारे पास एग्जिट कंट्रोल लूप है उसमें सबसे पहले एग्जीक्यूशन होती है, उसके बाद जाकर कंडीशन की चेकिंग होती है। ये दोनों में फर्क होता था। तो जो हमारे पास, आपको सिंपली बता दूं, वो फोर लूप होती है, ये हमारे पास क्या होती है, एंट्री कंट्रोल लूप होती है। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों होती है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो कंडीशन की चेकिंग होती है, उसके बाद जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमने बॉडी ऑफ लूप के अंदर लिखी है वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो चलो यार, हम पहले शुरू करते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हमें फोर लिखना होता है जो कि कीबोर्ड है। फोर लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट्स लगानी है। और हम क्या करते थे, जो हमने पहले लूप्स पढ़ी हैं उसमें हम इनिशियलाइजेशन जो है वो पहले ही करते थे, लूप लगाने से पहले इनिशियलाइजेशन करते थे। फिर जहाँ फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना हो तो वो बॉडी ऑफ लूप के अंदर लिखते थे। बट हमारे पास जो फोर लूप है, ये तीनों काम क्या कर देती है, हमारी एक ही स्टेटमेंट में कर देती है। फोर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसे तीन सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। एक सेक्शन हमारे पास होता है इनिशियलाइजेशन का, ये देखिए ये वाला हमारा सेक्शन जो है वो इनिशियलाइजेशन का सेक्शन है, ये वाला जो हमारा सेक्शन है वो कंडीशन का सेक्शन है, और ये इंक्रीमेंट जो हमारा सेक्शन है ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का सेक्शन है। मतलब क्या कि फोर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन कर देंगे। हमारी कंट्रोल वेरिएबल की हम इनिशियलाइजेशन पहले ही कर देते हैं फोर लिखने के बाद। उसके बाद हम सेमी कोलन लगाएंगे और उसके बाद हम कंडीशन दे देंगे कि कब तक हमें अपनी लूप को चलाना है, ठीक है। उसके बाद फिर से सेमी कोलन लगाएंगे और उसके बाद हम अपना क्या कर देंगे, कमांड दे देंगे कि हमें अपने कंट्रोल वेरिएबल में इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो आई होप कि आपको उसका ये वाला स्टेटमेंट समझ आई होगी। मतलब एक ही सेक्शन में हमारे तीन तीन काम हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास होती है इनिशियलाइजेशन, फिर होती है कंडीशन चेकिंग, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और उसके बाद हमारे पास क्या, कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉडी ऑफ लूप है, जिसमें हम क्या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कि एग्जीक्यूटेबल होती हैं, जो कि एग्जीक्यूट होनी होती हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही लाइन में हो जाती है हमारे पास फोर लूप के अंदर। तो मान लीजिए जहाँ पे कोई कंडीशन दी गई है, मैंने कोई भी कंडीशन दी है, सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर से कंडीशन की चेकिंग होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट होगा, फिर से क्या होगा, फिर कंडीशन की चेकिंग होगी। अगर फिर कंडीशन फिर से ट्रू है, फिर से ऐसा ही होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। फिर क्या करेंगे, हम कंडीशन की चेकिंग फिर से करेंगे और फिर से क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट होगी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स अगर ट्रू हुई तो। ऐसे सोन हमारी लूप चलती जाती है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आपको बता दूँ। इट इज़ ए कंट्रोल एंट्री कंट्रोल लूप, मतलब जो हमारे पास है फोर लूप इन सी लैंग्वेज, ये हमारे पास एंट्री कंट्रोल लूप होती है। ये आपको मैंने पहले बता दिया क्यों होती है, क्योंकि सबसे पहले कंडीशन की चेकिंग हो रही है और फिर जाकर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है हमारी बॉडी ऑफ लूप के अंदर वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज चेक्ड, फिर से मैंने वही बात कही कि इसमें सबसे पहले आपको कंडीशन की चेकिंग होती है, उसके बाद जाकर हमारा जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट होता है। थर्ड चीज़ क्या है, इन फोर लूप इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इज कंप्लीटेड इन ओनली वन स्टेप। हाँ, बाकी लूप्स में हमने देखा था कि क्या होता था, डू व्हाइल लूप हो गई या व्हाइल लूप हो गई, उसमें हम इनिशियलाइजेशन पहले ही करते थे, लूप लगाने से पहले ही हम इनिशियलाइजेशन कर देते थे। बट इसमें क्या होता है, हमारे पास जो फोर लूप है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जिसे हम अपडेशन भी कहते हैं, ये तीनों एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। हम फोर लगाने के बाद इन्हें ब्रैकेट्स के अंदर ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे हमने वाई लूप में बनाया था, जिसमें हमने क्या किया था, एक मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करवाया था किसी भी नंबर का जो कि यूज़र इनपुट करता है। तो वैसे ही हम एक प्रोग्राम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फोर लूप, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंज आएगा जो मैं इससे आपको बताऊंगा। बस आपको उसका सिंटैक्स थोड़ा सा याद रखना, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। फोर लिखने के बाद हमें इनिशियलाइजेशन करनी है, सेमी कोलन लगाने के बाद हमें क्या करना है, कंडीशन देनी है, कंडीशन के बाद सेमी कोलन लगाना है, उसके बाद हमें इंक्रीमेंट करवाना है या डिक्रीमेंट करवाना है उसका ऑर्डर देना है, उसके बाद हमें ब्लॉक ऑफ बॉडी ऑफ लूप लगा देनी है जिसमें हम दो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और उसके अंदर हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो हमने एग्जीक्यूट करवानी है वो लिख देंगे। जब तक कंडीशन अनसेटिस्फाई ना हो जाए, जो हमने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बॉडी ऑफ लूप के अंदर लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होता जाएगा हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो आई होप आपको उसका सिंटैक्स थोड़ा सा समझ आ गया होगा। और हाँ, आपको फोर लिखने के बाद यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगाना है, मतलब यहाँ पे आपको सेमी कोलन नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं हमारे टर्बो, सॉरी टर्बो नहीं, डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर पे, और वहाँ पे बनाते हैं एक प्रोग्राम
मल्टीप्लीकेशन का, जिससे आपको फोर लूप का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल एंड दबाएंगे तो डायरेक्टली हमारी नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कमेंट लिखते हैं, तो कमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, जो मैं कमेंट में लिखूँगा प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट, सॉरी द कंसेप्ट ऑफ फोर लूप इन सी लैंग्वेज। ठीक है, मैं प्रोग्राम का नाम लिख रहा हूँ, प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ फोर लूप इन सी लैंग्वेज। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपनी हेडर फाइल्स को लगाना शुरू करूँगा, हैश इंक्लूड stdio.h, पहली हेडर फाइल लगा ली मैंने, अब दूसरी लगाऊंगा हैश इंक्लूड conio.h। दो हेडर फाइल्स का यूज़ करेंगे इसमें हम। उसके बाद मैं void को एज अ मेन रख रहा हूँ, void को मेन रखने के बाद मैं यहाँ से अपनी कर्ली ब्रेसेस को शुरू कर रहा हूँ। तो मैं इसमें करूँगा क्या, मैं कि मतलब मुझे मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करवाना है, तो मल्टीप्लीकेशन टेबल को प्रिंट करवाने के लिए मैं इसमें दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा, एक n और एक i। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इंट n और i, ठीक है। तो उसके बाद मैं कहूँगा कि जो भी जिस भी नंबर का टेबल यूज़र चाहता है, मान लीजिए कि यूज़र चाहता है कि मुझे दो का टेबल चाहिए, तो वो क्या नंबर इनपुट करवाएगा, दो नंबर। तो उस नंबर को मैं किस में स्टोर करवा रहा हूँ, एन के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, जो मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाऊँगा प्रिंट एफ का यूज़ करके, एंटर डैट नंबर हूज मल्टीप्लीकेशन टेबल इज टू बी कैलकुलेटेड। मैं यूज़र को मैसेज क्या दे रहा हूँ कि उस नंबर को लिखिए जिसका आप मल्टीप्लीकेशन टेबल चाहते हैं। मान लीजिए अगर यूज़र दो एंटर करेगा तो दो मैं एन के अंदर स्टोर करवाऊंगा, और स्टोर करवाने के लिए मैं किसका यूज़ करता हूँ, स्कैन एफ का यूज़ करता हूँ। स्कैन एफ लगा लूँगा यहाँ पे, परसेंट डी लगाऊंगा, परसेंट डी लगाने के बाद मैं इसे क्या करूँगा, एड्रेस कर दूंगा एन में, ठीक है। अब जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा मैं उसे एन के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। तो अब मुझे करना क्या, मुझे क्या करना है कि मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करना है। अगर आप मान लीजिए टू का मल्टीप्लीकेशन टेबल है, उसमें हमारे पास क्या होता है, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन। अब टू की वैल्यू तो एज इट इज़ सेम ही रहती है ना, आपने देखा होगा मल्टीप्लीकेशन टेबल, जिसका मल्टीप्लीकेशन टेबल दिख रहे हैं उसकी वैल्यू एज इट इज़ सेम रहती है। चेंज क्या करता है हमारे पास, जिससे वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जिससे वो मल्टीप्लाई कर रहा है मैं उसे किसमें कर, उसे मैंने कौन सा वेरिएबल बनाया, आई। तो मैं यहाँ पे लूप लगा दूंगा एक, ठीक है, और लूप की कंडीशन क्या दे दूंगा कि वो जो लूप है वो 10 बार चले, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन टेबल मुझे 10 बार प्रिंट करवाना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, फोर लगाऊंगा यहाँ पे, फोर लगाने के बाद मैंने यहाँ से ये शुरू किया। अगर आपको सिंटैक्स भूल गया तो मैं आपको बता दूँ, फोर लगाने के बाद क्या करते थे हम, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते थे, सेमी कोलन लगाने के बाद कंडीशन देते थे, फिर सेमी कोलन लगाने के बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देते थे। तो मैं ऐसे करता हूँ बंद और चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनिशियलाइजेशन करूँगा। तो मैं यहाँ पे आई को एज किसके इक्वल कर दूंगा, वन के इक्वल कर दूंगा, फोर आई इक्वल्स टू वन, और कंडीशन दे दूंगा जब तक आई जो है वो मेरा 10 से कम ना हो जाए, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है, तब तक हमारी लूप चलनी चाहिए आई प्लस प्लस, और आई में एक एक ऐड भी करते जाना है मुझे। तो यहाँ से मैं बॉडी ऑफ लूप बना लेता हूँ, यहाँ से मेरी बॉडी ऑफ लूप स्टार्ट होगी। तो मुझे प्रिंट क्या करवाना, प्रिंट एफ करूँगा यहाँ पे मैं, परसेंट डी एक्स, परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी। अब आप कहेंगे कि ये क्या किया मैंने, तो मैं यहाँ पे टेबल प्रिंट करवा रहा हूँ। मैंने परसेंट डी इंटू परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी इसलिए किया है कि जो पहला परसेंट डी है उसे मैं कहाँ पे एड्रेस करूँगा, हमारे एन में एड्रेस करूँगा। टू का टेबल होगा तो टू इंटू होगा, और एक्स का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मतलब होता कुछ और है, पर प्रिंट करवाने में मैं से एक्स यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरा परसेंट डी मुझे मेरा जो है वो किसे असाइन कर रहा है, मेरा आई को। पहला आई की वैल्यू वन होगी, टू इंटू वन, फिर क्या प्रिंट होगा, मेरे पास वन प्रिंट होगा, फिर टू इंटू आई की वैल्यू, आई में एक इंक्रीमेंट होगा, फिर टू हो जाएगा, टू इंटू टू फोर प्रिंट होगा, फिर आई में एक इंक्रीमेंट होगा, फिर थ्री हो जाएगा, टू इंटू थ्री होगा, ऐसे हमारा सोन टेबल चलता जाएगा। और मुझे इसे कहाँ पर एड्रेस करना है, यहाँ पर लिख दूंगा, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास एन है, दूसरी वैल्यू मेरे पास आई है, और थर्ड वैल्यू मेरे पास कौन सी है, एन इंटू आई है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे मैं इसे कर रहा हूँ बंद, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये मेरा टेबल एक साथ का कह सकते हैं मेरा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं गेट सी एच ई का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए अब ये वह कैसे करेगी, सबसे पहले मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया आई इक्वल्स टू वन को, अब मैंने आई को इक्वल्स टू वन को इनिशियलाइज कर दिया, और मैंने कंडीशन दे दिया कि जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है या 10 के इक्वल है तब तक तुम्हें लूप को चलाना है, ठीक है, और आई में एक एक ऐड भी करते जाना है। सबसे पहले लूप चलेगी, आई की वैल्यू 1 है, परसेंट डी यहाँ पे मैंने किसे एड्रेस किया, एन को। तो एन मेरे पास जो भी नंबर होगा, मान लीजिए एन को यूज़र जो है 2 इनपुट करेगा, तो 2 इंटू आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्या होगा 1 इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू 1 जो कि 2 होता है, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर 2 इंटू क्या होगा
अब क्या होगा, आई में इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट हुआ तो क्या होगा, दो हो गया आई, और फिर से कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो इंटू दो हो जाएगा तो हमारे पास चार आ जाएगा। ऐसे सोन हमारी लूप 10 बार चलेगी और 2 का 10 तक टेबल हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। आई होप को आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम इसे कंपाइल कर लेते हैं, तो कंपाइल करने से पहले हमें इसका नाम देना होगा, तो मैं इसे लिख देता हूँ टेबल डॉट सी, और आपको डॉट सी एक्सटेंशन यूज़ करनी होगी अपने प्रोग्राम को सेव कराने के लिए। मैं इसे सेव कर रहा हूँ, ओहो टेबल डॉट सी नाम से एक और भी एक्सटेंशन, एक और भी मेरे पास फाइल एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं इसे कर लेता हूँ टेबल ऑफ डॉट सी के नाम से। अब देखिए सेव करूँगा इसे मैं, ये देखिए इसमें 0 एरर है, कोई भी एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में। चलिए इसे रन करके देखते हैं। अब मुझे मैसेज क्या दे रहा है, कहते हैं एंटर डैट नंबर हुज मल्टीप्लीकेशन टेबल इज टू बी कैलकुलेटेड, वो वाला नंबर एंटर कीजिए जिसका आप मल्टीप्लीकेशन टेबल चाहते हैं। तो मान लीजिए मुझे 2 का मल्टीप्लीकेशन टेबल चाहिए, मैं 2 एंटर करूँगा तो आपके सामने 2 का मल्टीप्लीकेशन टेबल आ गया। देखिए 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अब ये वर्क कैसे किया एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारी लूप वर्क कर रही है। यहाँ पे मैंने परसेंट डी जो पहला है उसे मैंने रखा है एज अ एन, ठीक है, पहले पर्सन डी को मैंने एन रखा है, दूसरे पर्सन डी को मैंने आई रखा है, और आई की वैल्यू प्लस प्लस करती है तो 10 बार आई चलेगा, और पहले आई की वैल्यू 1 होगी। पहले हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस प्लस हुआ, फिर 2 से करेंगे, फिर प्लस प्लस हुआ, फिर 3 से करेंगे, ऐसे सोन हमारी लूप चलती जाएगी। ऐसे आप किसी का भी टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। मान लीजिए फिर से मैं इसे रन कर रहा हूँ, देखिए अब फिर से मैं कोई और नंबर एंटर करता हूँ, मान लीजिए मैं 6 एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 6 का टेबल हमारे पास प्रिंट हो जाएगा सिंपली। देखिए हमने कितनी आसानी से एक मल्टीप्लीकेशन टेबल का एक क्या बना दिया, प्रोग्राम बना दिया। तो लूप्स की हेल्प से कितना इजी हो गया। मान लीजिए अगर हमारे पास लूप्स नहीं होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 बार प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं, परसेंट डी इंटू परसेंट डी टू परसेंट डी। पहले परसेंट डी को हम किसका एड्रेस देते, एन का एड्रेस देते, दूसरे परसेंट डी को हम किसका एड्रेस देते, 1 का एड्रेस देते, ऐसे सोन हमारा चलता रहता है। ऐसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में रहता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ बेल आइकन को भी दबा देना, और लाइक जरूर करना इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से ही करना। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।